हमने मेटल्स पर, कंडक्टर्स पर रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा कि क्या इफेक्ट पड़ा, क्या हुआ था, क्या हुआ था मेटल्स की रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा था। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस में इंक्रीजिंग हुई थी, रेजिस्टिविटी बढ़ी थी, प्रतिरोध बढ़ा था, हुआ था ना। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के बीच, ज्यादा हुए, और ज्यादा होने से क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, कम हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस, एक फॉर्मूला था R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एम ई स्क्वायर, था या नहीं था, था ऐसा। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सेमीकंडक्टर्स के बारे में तो हम डिटेल में अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, पर आपको थोड़ी सी बात बता देते हैं। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल है, सभी को पता है कौन कौन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी आउटर मोस्ट सेल में चार फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, चार। अब सपोज करो जैसे कंडक्टर, जैसे आपका यही है जर्मेनियम, छोटा सा जर्मेनियम अगर लो तो उसमें लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, करोड़ों होंगे, ऐसा तो होने का नहीं कि चार मॉलिक्यूल्स उसमें रहे हो, है ना। तो ये जर्मेनियम के एटम है, जर्मेनियम। अब ये देखते हैं आप लोग कि जर्मेनियम है जी, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम में है, चार, कितने, चार। और इसी प्रकार इधर भी जर्मेनियम, जर्मेनियम चार में जर्मेनियम होंगे ना, ये चार इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आपस में साझा कर लेते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं चार, आठ करने के लिए भाई एट तो होंगे ना, तो इसने क्या किया, चार से कोवलेंट बॉन्ड बनाया, है ना, और कोवलेंट बॉन्ड बनाकर क्या हो गए, ये कितने हो गए, आठ। इसी प्रकार ये भी करेगा पड़ोसी पड़ोसी साझा करके, जो इसके नेबर होंगे भाई, जो भी इसके नेबर होंगे उनसे साझा करेगा, करेगा ना, ऊपर होगा, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सभी सभी कोवलेंट बॉन्ड में आ गए। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं होगा क्या, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस होने से, भी हमने बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होने से क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, आर और एन, जब आर एन ज्यादा हो गए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टिविटी घट जाती है, क्लियर है या नहीं। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि अभी लास्ट पीरियड में बताया था कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन्स बढ़ गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, हाँ होगा, यहाँ भी होगा ऐसा, परंतु अगर रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा, तो एक इफेक्ट ज्यादा होगा ना, ये वाला इफेक्ट क्या जाता है, 10 गुना जाता है, 10 टाइम्स जाता है, समझ गए, बात क्लियर है नहीं है भाई। अगर सपोज करो कि कोई मटेरियल हम बना रहे हैं घर पर, ऐसा आप समझ लो भाई, हमने क्या किया, हमने घर पर कोई हैंडमेड हम बना रहे हैं घर पर कोई सामान बनाया, अब पता चला कि हम दो शहरों में बेच रहे हैं, एक शहर में उसकी कीमत हमें एकदम से घटके मिलने लगी 2 रुपए, और दूसरे शहर में 20 रुपए बढ़कर मिलने लगी, तो भाई फायदा ज्यादा होगा नुकसान ज्यादा होगा, है ना, तो वही काम है, रिलैक्सेशन टाइम का इफेक्ट पड़ रहा है, इसका भी पड़ रहा है, परंतु मेन पॉइंट है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये तो लिखा है, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड विच मेक इट कंडक्टिंग, डिक्रीज द रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ गई, यही तो होता है, रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, भाई यही तो कहा जाता है, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो अच्छा कंडक्टर, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो अच्छा इंसुलेटर,
भाई रेजिस्टेंस जाता है तो क्या अच्छा इंसुलेटर, और हमें अच्छा कंडक्टर कब है, जब कंडक्टिविटी ज्यादा हो रेजिस्टेंस कम हो। तो सेमी कंडक्टर में क्या हुआ, टेम्परेचर के ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी कम हो, और मेटल्स में क्या हुआ था बढ़ गई। एक फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया था, आर टी इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा निगेटिव होता है, ये भी आपको पता, अल्फा क्या होता है, और अल्फा निगेटिव होने की वजह से ही क्या होगा, रेजिस्टेंस घटता है। बात क्लियर, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या है, क्लियर है आपको।